नमस्कार दोस्तों, राम मंदिर की सुरक्षा में लगे जवानों को सरकार खास तोहफा देने जा रही है। ये खुशखबरी सुनकर सुरक्षा कर्मियों के चेहरे खिल उठे। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत श्री राम जन्मभूमि मंदिर की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को आवासीय भवन दिए जाएंगे। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। यहां आए दिन लाखों भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। ऐसे में रामलला के मंदिर की सुरक्षा के लिए कई जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ विशेष सुरक्षा बल PAC और अन्य संस्थानों के सुरक्षा कर्मी राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात है। अब उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने सोमवार को एक आदेश जारी किया है। अयोध्या कलेक्टर को भेजे गए आदेश के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्वामित्व की 18 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल PAC और अन्य संस्थानों की स्थापना के लिए लोक हित में गृह विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला किया गया है। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए अभी तक कोई स्थायी प्रबंध नहीं है। इन जवानों को सरकारी भवनों और प्राइवेट स्थानों पर ठहराया जाता है। ऐसे में अब सरकार ने अयोध्या की सदर तहसील के मलिकपुर और गंजा गांव में आवासीय भवन बनाने का फैसला किया है। यहां रहने के लिए भवन बनाने के साथ ही अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे।